हेलो दोस्तों, मैं हूं नवल और आप देख रहे हैं स्मार्टर थिंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ खास देखेंगे कि अगर आपका कुछ एक्सीडेंटली कहीं मोबाइल गिर जाता है और कुछ आपको अगर कहीं कुछ हो जाता है तो आप जैसे इमरजेंसी कॉल करते हैं, तो इस तरह की आपको कोई इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए मोबाइल में। कभी कभी इमरजेंसी कॉल नहीं हो पाता है, तभी आपको इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन की मदद हो सकती है। तो आप देख सकते हैं इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन आप किस तरह से सेट कर सकते हैं आपके मोबाइल में और आपको किस तरह से दिखेगी, इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा। यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी, यहाँ पे यूज़र्स एंड अकाउंट्स यहाँ पे दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ स्वैप करके यहाँ पे इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन एक ऑप्शन दिख जाएगा, लास्ट में से थर्ड वाला ऑप्शन, यहाँ पे आप उसे क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया है मेरा नाम, यहाँ पे ओके, यहाँ पे एड्रेस ओके, यहाँ पे ब्लड टाइप हम कौन सा भी डाल देते हैं, अभी यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं अभी फिलहाल। यहाँ पे मेडिसिन, अगर आपको कोई मेडिसिन की एलर्जी वगैरह है तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम बस एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे आप यस नो या फिर अननोन कर सकते हैं, आपको जैसा लगे। यहाँ पे मेडिकल नोट्स वगैरह आपको कुछ डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन एक एज एग्जांपल के इससे रख दिए। और यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक दो कॉन्टेक्ट ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं एक खादा कॉन्टेक्ट, यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट ऐड कर दिया है मैंने। बस इतना इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन में हमने रख दिया है। तो हम यहाँ पे बैक चल जाएंगे अभी। तो आप अगर आपका मोबाइल पासवर्ड लॉक रहेगा फिर भी आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो किस तरह से देख सकते हैं, हम एक बार मोबाइल को लॉक करके फिर से ऑन करके देख लेंगे। तो चलिए, तो दोस्तों ये है हमारी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हमने एक्टिवेट कर दी, यहाँ पे इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी। और ये हमारी लॉक स्क्रीन है। तो जब भी आप लॉक स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्वैप करेंगे तो अगर आपको एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है या फिर आपको किसी चीज़ की एलर्जी है तो आप कुछ बेहोश वगैरह हो जाते हैं तो तभी आपका मोबाइल कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसको आप पासवर्ड नहीं बता सकते, लेकिन उसे आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम क्या है, उससे वो आपका ट्रीटमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन ऊपर की तरफ आपको इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। इमरजेंसी कॉल में आप जाते हैं तो यहाँ पे इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन पे डबल टैप करके आप उसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा डिटेलिंग आ जाएगा, आपका एड्रेस है, आपका नाम है, यहाँ पे ऊपर नाम आ जाएगा, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है वो आ जाएगा, यहाँ पे मेडिसिन, मेडिकल नोट्स, ये सब कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आ जाएगी, वो भी विदाउट आप अनलॉक किए हुए। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे जो भी आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रखने हैं तो आप रख सकते हैं। यहाँ पे वो पर्सन उस कॉन्टैक्ट पे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। ये इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी यूज़फुल हो सकती है अगर आपका कुछ एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है तो। तो दोस्तों बस आज का वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि इस तरह का कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए तो आप उससे सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के आपको ढेर सारी वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए, बाय।